हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग काफी अच्छे हो। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है मार्केटिंग से रिलेटेड। राइट, तो आईबीओ टू, आपको पता होगा कि आईबीओ टू आपका एक सब्जेक्ट है। राइट, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है आपके मार्केटिंग से, और उसी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बट साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि आप इन सारे के सारे जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूं, ये आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पर आकर के भी आप इसको रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। अब देखिए, आपको करना क्या, आपको सबसे पहले हमारे वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है commerceepaathshala.blogspot.com। ठीक है, commerce-paathshala.blogspot.com। आप जैसे ही इस पे आएंगे, एक वेब पेज खुलेगा, वहां से फिर आपको इग्नू एमकॉम का जो टैब है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये हमारा वेब पेज खुल जाएगा जहां पे आपको दिख रहा है कोर्स की डिटेल्स, और साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको एमकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के नाम आपको दिख रहे हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं इसी तरह के जो मैं अभी बना रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स जो लिखे हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव में, आपको उनके ऊपर क्लिक करना है। आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे जो कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और आप उन सारी वीडियोस को देख पाएंगे, जिससे आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो आप आईबीओ टू के ऊपर क्लिक करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आईबीओ टू से रिलेटेड है, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक वेब पेज आपके सामने निकलेगा जहां पे आपको ढेर सारी क्वेश्चंस दिखेंगे, यूनिट वन की, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर, यूनिट फाइव, इस तरीके से करके तकरीबन जितनी भी सारी आपके यूनिट्स हैं उन सारे के सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस जो है अपलोड करके रखे हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे वेबसाइट पे। साथ ही साथ इन सब के आंसर्स भी अपलोडेड है। ये आंसर के यहाँ पे जो क्लिक हेयर है इसके ऊपर आपको दबाना है, आपको आंसर जो है पता चल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अभी अपलोड नहीं हुए हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर जो अपलोडेड है आप उनको देख करके आसानी से इसको स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे तो ऑप्शन है ही कॉमर्स की पाठशाला को सर्च करके फाइंड आउट करने का और उन वीडियोस को देखने का। राइट, तो आज का टॉपिक अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो व्हाट इज डिफाइंड मार्केटिंग प्लान एंड इट्स एप्लीकेशंस, एक्सप्लेन हाउ मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग। तो मार्केटिंग क्या होता है और उसकी इम्प्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से मार्केटिंग और सेलिंग जो है आपस में अलग अलग चीजें हैं। तो क्लिक हेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपका एक वेब पेज खुलेगा जहां पे आपको सारे के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। माफी चाहूंगा, मैं इस पेज को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं जिससे मैं आपको पढ़ा पाऊं। ये कुछ ज्यादा ही जूम इन हो गया। यस, वन मोर टाइम, आई गेस अब सही है। बट इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूं पहले। जी हाँ, ये मैंने अरेंज कर लिया है ना, ये मैंने अरेंज कर लिया। देखो यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है, डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंप्लीकेशंस, एक्सप्लेन हाउ मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्केटिंग, ये मार्केटिंग भाई होती क्या है। राइट, सो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंजेस दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, बट अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझना चाहो तो अकॉर्डिंग टू AMA का मतलब है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उनका कहने का मतलब है कि मार्केटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें आप प्लानिंग करते हो और अपने कंसेप्शन को, अपने प्राइसिंग को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग योर आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, जिसके बदले आपको जो है आपको एक अमाउंट दिया जाता है, और इसी के जरिए आप अपने इंडिविजुअल जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जो नीड्स हैं, आप उसको सेटिस्फाई करते हो, आई मीन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी आप सेटिस्फाई करते हो। और अगर सिंप्लीफाई करूं तो सिंपल सी बात है कि जो भी कस्टमर की नीड होगी, जो भी उसकी डिमांड होगी, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ, जब आप देखो होता क्या है कि जब आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो प्रोडक्ट सारे लोगों को पसंद आए ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। तो आपको क्या होगा, आपको अपने प्रोडक्ट के लिए डिमांड को क्रिएट करना होगा, आपको अपने लोगों को अप्रोच करना होगा कि देखो हमारे प्रोडक्ट में ये खासियत है, आप अगर इस प्रोडक्ट को लोगे, ऐसे इस्तेमाल करोगे तो आपको ये फायदे होंगे, है ना। इसी को कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट का के लिए डिमांड को मार्केट में क्रिएट करना by way of doing various of things, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया,
है ना, साथ ही साथ कोई एड आपने चला दिया, टीवी पे चला दिया या फिर अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चला दिया, तो ये सारे तरीके होते हैं जिसके जरिए आप मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, मार्केटिंग करने की कोशिश करते हो। दिस डेफिनेशन इज अनडाउटेडली एन इम्प्रूवमेंट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब आप ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंगली आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से मार्केटिंग जो होती है वो सेलिंग से अलग होती है। देखो मार्केटिंग में यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि जो आपके आइडियाज है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, आप उसको मार्केट में लेकर के जा रहे हो ताकि आप अपने इंडिविजुअल नीड और ऑर्गेनाइजेशन नीड दोनों को सेटिस्फाई कर सको। यहाँ पे कंज्यूमर नीड के बारे में नहीं बोला गया, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ा फैक्टर है। सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग में हमारा काम होता है कि प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करना। आप ये नहीं सोचते कि प्रोडक्ट कैसी है, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म कंपनी के लिए वो प्रोडक्ट का सेल करना कितना अच्छा है गलत है, ये सारी चीजों के बारे में आप नहीं सोचते। सेलिंग का मतलब होता है कि बस आपको अपना वॉल्यूम बढ़ाना है, आपको बस सेल करना है ना। बट मार्केटिंग में ये नहीं होता। मार्केटिंग में आप कोशिश करते हो कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट कंपनी को कंज्यूमर को दो ताकि कंज्यूमर जो है आपसे खुश हो। मार्केटिंग लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है ना, लॉन्ग टर्म चीजों को ध्यान में रख करके की जाती है कि आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा तो लोग जो है वापस से आपके पास आएंगे खरीदने के लिए, है ना। तो ये यहाँ पे एक जो है डिफरेंस क्रिएट किया गया है विद दिस डेफिनेशन, ये बात यहाँ पे बोली गई है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मार्केटिंग इज आल्सो एनकंपासेस अदर एक्टिविटीज अलोंग विद सेलिंग, है ना। तो मार्केटिंग में सिर्फ सेलिंग नहीं होता, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा कि इस लाइन में बोला गया कि इस डेफिनेशन के हिसाब से मार्केटिंग इज आल्सो एनकंपासेस अदर एक्टिविटीज अलोंग विद सेलिंग, राइट। सो नेक्स्ट, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर हु वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट, है ना। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनफैक्ट यू विल हैव टू डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट यू शुड मैन्युफैक्चर एंड सेल। उस केस में आपको ये भी सोचना होगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट को तैयार करना है और सेल करना है, मैन्युफैक्चर करना है और सेल करना है। हाउ डू यू डिसाइड दिस? अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन से प्रोडक्ट को सेल करने से आपको जो है फायदा मिलेगा। आइडेंटिफाई द नीड्स व्हिच रिक्वायर सेटिस्फेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी डिमांड की चीजें हैं जो कि लोगों को चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को चाहिए बट आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप उसी प्रोडक्ट को बनाओगे जो कि लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है बट जिसको बनाने से, जिसको इस्तेमाल करने से लोगों का जीवन जो है आसान होगा, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को बनाना चाहोगे, है ना। वंस यू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यू कैन डिटरमाइन द प्रोडक्ट व्हिच कैन सेटिस्फाई दैट नीड, है ना। जब आप एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में आपको पता चल गया कितने सारे लोग हैं जिनको इस चीज की जरूरत है, तो आप अपने प्रोडक्ट को आप डिटरमाइन कर सकते हो और आप तैयार कर सकते हो और आप उनकी नीड को पूरा कर सकते हो, साथ ही साथ आपकी नीड भी उसी में पूरी हो जाएंगे। आपका नीड क्या है? आपका नीड है प्रॉफिट कमाना, है ना, बिजनेस को बड़ा करना, और ये तभी सेल हो पाएगा, जब ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने कंज्यूमर के नीड्स का ख्याल रखोगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग, और यही जो है मॉडर्न फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग का एक हिस्सा है कि आपको सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना बल्कि कंज्यूमर के फायदे के बारे में सोचना है, फिर अपने फायदे के बारे में सोचना है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग जो है वो सेलिंग से अलग होती है। सो मेनी पीपल यूज द टर्म्स मार्केटिंग एंड सेलिंग एज सिनोनिमस। सिनोनिमस का मतलब होता है कि समान। बहुत सारे लोग मार्केटिंग और सेलिंग को एक तरह से समझते हैं कि दोनों चीजें तो एक ही है, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट दीज टू टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं इनका अलग अलग मीनिंग है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंसेज बिटवीन दीज बिटवीन देम इज नेसेसरी फॉर यू टू बी अ सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर। अगर आपको एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजर बनना है तो आपके लिए इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है ना। सेलिंग इज एन एक्शन विच कन्वर्ट्स द प्रोडक्ट इनटू कैश, बट मार्केटिंग इज द होल प्रोसेस ऑफ मीटिंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ कंज्यूमर, है ना। सेलिंग सिर्फ एक क्रिया है जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करते हो, लेकिन मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप कंज्यूमर के नीड्स को पूरा करने के साथ साथ आप अपना फायदा भी कमाते हो, ठीक है ना। मार्केटिंग का मतलब है कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना, राइट। और सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास है उसको सेल करो और उससे जो कैश आएंगे मैंने उससे कैश बना लिया अपना, बस। सेलिंग सिंपल सी बात है कि आपको कैश बनाना है, पर मार्केटिंग में आपको कैश तो बनाना है लेकिन साथ ही साथ आपको कंज्यूमर की नीड्स को भी सेटिस्फाई
करना है। मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना। मार्केटिंग में वो सारी की सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, जैसे कि उसमें प्लानिंग हो गई, प्राइसिंग होगी, प्रमोटिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया एंड सर्विसेज हो गया, है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है मार्केटिंग का हिस्सा कहलाएंगे। मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ प्लान करा, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है उस प्लान को, ये भी मार्केटिंग का ही हिस्सा हो जाता है। सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड ऑफ सेलर, वेयर एज मार्केटिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन द नीड ऑफ बायर। सेलिंग जो है वो सेलर के नीड्स के ऊपर फोकस करता है और मार्केटिंग जो है वो बायर के नीड के ऊपर मतलब फोकस करता है। तो आप सोचो कि कौन सा ज्यादा सही होगा। सेलिंग में आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और मार्केटिंग में आप जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है, आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो डेफिनेटली जब आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, जब आप उसके बारे में सोचोगे, तो वो भी आपके बारे में सोचेगा। एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट होता है, राइट। सो दैट इज वाई दोनों चीजें जो है अलग है और ये एक लाइन भी इस बात को प्रूव करती है। अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। सेलिंग इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ एक्सचेंज अंडर बार्टर सिस्टम। सेलिंग जो है वो मॉडर्न वर्जन है एक्सचेंज जो होता था बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आप एक सामान देते थे, एक सामान लेते थे। उस टाइम पे पैसों का चलन नहीं था कि आपको इतने रुपए देने हैं इस सामान को खरीदने के लिए। उस टाइम पे होता था कि आपको सपोज चावल बेचना है तो चावल के बदले जो है आपको चीनी मिल जाएगा, है ना। जिसकी जो नीड होती थी वो उस चीज से उसको एक्सचेंज कर लेते थे, इसको कहते थे बार्टर सिस्टम। तो जो सेलिंग है वो अभी के समय का बार्टर सिस्टम है ना, जहाँ पे आपका फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पे है। When the focus is on selling, the businessman thinks that the after production has been completed, the task of sales force starts, है ना। जैसे ही प्रोडक्शन का काम आपका खत्म हो गया, आपका जो है सेल करने का काम स्टार्ट हो जाता है। इट इज ऑल्सो द टास्क ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट टू सेल वॉट एवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज मैन्युफैक्चर्ड। अब ये सेल्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बनाया है, जो भी प्रोडक्ट बनाया है, उसको आपको सेल करना है, भले ही वो कैसा भी हो, राइट। अग्रेसिव सेल्स मेथड आर जस्टिफाइड टू मीट द गोल एंड कस्टमर्स एक्चुअल नीड्स एंड सेटिस्फैक्शंस आर टेकन फॉर ग्रांटेड। यही लाइन में आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना, कि एग्रेसिव सेल्स मेथड उठाया जाता है बाय द सेलिंग डिपार्टमेंट, है ना, जहाँ पे मार्केटिंग का ध्यान नहीं रखा जाता, जहाँ पे कस्टमर की जो एक्चुअल नीड्स है, फिर उससे उसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका ध्यान नहीं रखा जाता। आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप ये सोचते हो कि मैं कैसा भी प्रोडक्ट दे दूं, मेरा तो भाई प्रोडक्ट सेल होने से मतलब है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचो कि आपने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जिससे कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपका तो वो प्रोडक्ट बेकार हो गया, वो दोबारा आपके पास आएगा भी नहीं, वो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा, वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो कि उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करता हो, राइट। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो आखिरी जो पैराग्राफ है उसको पढ़ लेते हैं, फिर डिफरेंस एक टेबल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको भी कर लेंगे, राइट। बट मार्केटिंग इज अ वाइडर एंड ऑल परवेसिव एक्टिविटी टू अ बिजनेस फर्म, है ना। मार्केटिंग जो होती है वो बहुत ही एक वाइडर और परवेसिव एक्टिविटी है। वाइडर मतलब बहुत ही लंबी चौड़ी एक्टिविटी है, जहां पे सिर्फ आप सेलिंग के बारे में ध्यान नहीं देते, बल्कि आप कंज्यूमर नीड्स इस तरह की चीजों के ऊपर भी ध्यान देते हो। द टास्क कमेंस विद आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर नीड्स एंड डज नॉट एंड टिल फीडबैक ऑन कस्टमर्स कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिसीव्ड, है ना। ये लाइन भी एक समझने की जरूरत है आपको कि जहां पे मार्केटिंग में टास्क शुरू कब होता है कि जब आप कंज्यूमर के नीड को समझो और प्रोडक्ट को बनाओ, और खत्म तब होता है जब आप उसको उसका फीडबैक लेते हो। सेलिंग में क्या हो रहा है कि सेलिंग में आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ मैन्युफैक्चरिंग से, और जैसे ही आपने सेल कर दिए, पैसे आपके रियलाइज हो गए, आपने कैश रियलाइज कर लिया, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता भाई। मार्केटिंग में होता है कि आपने प्रोडक्ट बेचा, प्रोडक्ट बेचने के बाद कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आया कि नहीं आया उसका फीडबैक लेना है आपको, है ना, तब जाके आपका मार्केटिंग का जो काम है वो खत्म होगा। मतलब ये एक बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही लंबा चौड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही वाइडर प्रोसेस है, राइट। इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ एक्टिविटीज विच कंप्राइजेस प्रोडक्शन, पैकेजिंग, प्रमोशन, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन सेलिंग। समझ रहे हो कितनी लंबी चौड़ी प्रोसेस है। सेलिंग एकदम आखिर में आती है, ओके। तो लॉन्ग चेन एक्टिविटी है जहां पे आप प्रोडक्शन करते हो, उसकी पैकेजिंग करते हो, प्रमोशन करते हो, प्राइसिंग डिसाइड करते हो, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और तब जाकर के आप सेलिंग के बारे में सोचते हो कि किस तरीके से आपको सेल करना है, है ना। कंज्यूमर नीड्स बिकम द गाइडिंग फोर्स बिहाइंड ऑल दीज एक्टिविटीज। और जो कंज्यूमर नीड होती है वो उसका बेस है जिसके बेसिस पे आप जो है अपने सारे कामों को कर रहे हो। कंज्यूमर नीड जो है वो गाइडिंग फोर्स है इन सारे एक्टिविटीज को पूरा करने का। प्रॉफिट्स आर नॉट इग्नोर्ड बट दे आर बिल्ट अपॉन अ लॉन्ग रन बेसिस। प्रॉफिट जो है उसको इग्नोर नहीं किया जाता, लेकिन इसको लॉन्ग रन बेसिस के ऊपर देखा जाता है, ना कि शॉर्ट रन पे। मैं अगर आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दूं तो आप जियो के बारे में सोचो कि जब जियो लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पर लोगों ने 4G सर्विसेज जो है तकरीबन 3-4 महीने तक फ्री में दी थी, या उससे भी ज्यादा आई गेस जब एकदम लॉन्च करा था।
और जो प्राइसेस थे उनके पैक्स के, तकरीबन 400 रुपए में आपका 3 महीने चल जाता था 1.5 GB करके, है ना। बट अभी देखो, अभी वही वही चीजें आपको 3 महीना का अगर आपको पैक लेना है 1.5 GB का, तो तकरीबन आपको 650 से 700 रुपए पे करने पड़ेंगे 1-3 महीने के। आप समझ रहे हो, प्राइसेस जो है डबल हो गई है तब से, है ना। तो एक मार्केट क्रिएट कर दिया गया, उसके बाद जो है आपका जो है प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। शुरू में उन लोगों ने लॉस झेला, शुरू में उन लोगों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन अभी वो लोग फायदे में है ना। तो लॉन्ग रन में जब देखा जाए तो प्रॉफिट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। शुरू में कई लोग प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं, बट लॉन्ग रन में देखा जाए तो प्रॉफिट आपको, लॉन्ग रन में अगर आपको देखना है तो आपको मार्केटिंग अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, है ना। तो सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में जो डिफरेंस है उसको टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। 5 पॉइंट्स है, इनको पढ़ोगे तो आपको समझ में पक्का आ जाएगा। पहला पॉइंट, सेलिंग में इम्फेसिस जो है प्रोडक्ट के ऊपर होता है, मार्केटिंग में जो है कंज्यूमर वांट्स के ऊपर, कस्टमर वांट्स के ऊपर उसका फोकस होता है। सेकंड नंबर पॉइंट, सेलिंग कंपनी फर्स्ट मेक्स द प्रोडक्ट एंड देन फिगर्स आउट हाउ टू सेल। सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी प्रोडक्ट को पहले बनाती है, फिर फिगर आउट करती है कि उसको सेल कैसे करना है। बट मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में ठीक इसका उल्टा होता है। मार्केटिंग में पहले वो ये फिगर आउट करती है कि कौन कौन से इसके कंज्यूमर हैं, लोगों को ये कैसा पसंद आएगा कि नहीं आएगा, फिर वो सेल के बारे में सोचती है। कंपनी फर्स्ट डिटरमाइंस कंज्यूमर वांट्स एंड देन फिगर्स आउट हाउ टू मेक एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई दीज वांट्स। आप समझ रहे हो मार्केटिंग कितनी बेहतर है। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इन सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। सेलिंग में जो मैनेजमेंट होता है वो सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड होता है। आप बस इतना सोचते हो कि आपका सेल का वॉल्यूम कितना है, आज 2 बिका, कल 4 बिका, परसों 25 बिका, फिर 30 बिका, ऐसे करके आपका वॉल्यूम बढ़ता है। आप सिर्फ वॉल्यूम के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मार्केटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। वो चीजों के बारे में सोचता है कि लॉन्ग टर्म में वो कैसा चलेगा, है ना। ओके, चौथा नंबर पॉइंट, प्लानिंग इज शॉर्ट रन ओरिएंटेड टर्म्स ऑफ टुडे, है ना। प्लानिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होती है, शॉर्ट टर्म के बारे में होती है ना, प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। और प्लानिंग जो होती है वो लॉन्ग रन के हिसाब से देखी जाती है। प्लानिंग जो होती है वो लॉन्ग रन ओरिएंटेड होती है मार्केटिंग की, है ना। एंड फिफ्थ नंबर पॉइंट, स्ट्रेसेस नीड्स ऑफ सेलर। जो सेलर होता है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, उनका ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जब आप सेलिंग करते हो तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, बट मार्केटिंग के केस में आपका जो स्ट्रेस है वो ज्यादा बायर के ऊपर होगा, आप बायर के बारे में सिर्फ सोचोगे, है ना। सो दिस इज द लेक्चर, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक दिस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो। और इसी तरह की वीडियोस आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है। ये जैसे कि मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ये सपोज हमने IPO 2 अभी कर रहा था हम लोगों ने, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। बगल में देखो YouTube वीडियो लेक्चर्स लिखे हुए हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। सॉरी ये वेब पेज खुला नहीं YouTube का। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका YouTube का पेज खुल जाएगा, जहां पे आपको ढेर सारी वीडियोस लगातार मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं है, जैसा मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज बनाया है वो यूनिट वाइज नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट वाइज तकरीबन हर एक सब्जेक्ट में, तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ 100-100 क्वेश्चन है, बट उन सब सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे नहीं। एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 20 नंबर के। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सिर्फ उन्हीं को प्लेलिस्ट में डाला है। तो जरूरी है कि आप सारे के सारे प्लेलिस्ट को देख ले। आपके पास अगर समय है, अगर आप एग्जाम बाद में दोगे तो आप यूनिट वाइज चीजों को भी देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।